الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبرع وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام دافنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل احترام حضرات علماء الكرام بزرگان محترم میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی बापा का माए और बहने हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के उस महीने से गुजर रहे हैं जिस महीने में हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुछ ऐसा अट्रैक्शन रख दिया है कि कोई शख्स इस महीने में लोगों के सामने किसी दीनी उनवान पर कुछ कहने के लिए बैठता है या खड़ा होता है तो तबीयत का खुद बखुद हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी शख्सियत की तरफ चला जाता है। मेरे बुजुर्ग हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ये दावा करता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत दया बनाकर भेजा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जहां एक तरफ ये ऐलान किया गया वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरा ऐलान ये किया गया कि वह खातमुन नबीयीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और सिलसिले नबूवत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया गया है। आदम अलैहि सलातो वसलाम से अंबिया अलैहि सलातो वसलाम का एक चैनल जो चला आता था उसका एंड हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हो गया। अंबिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो अपनी सोसाइटी के क्रीम पर्सन होते हैं, यानी वो जिस समाज में पैदा होते हैं जिस बिरादरी के बीच वो जन्म लेते हैं तो वो उस सोसाइटी और उस बिरादरी का खुलासा होते हैं और वो अपने अखलाक और कैरेक्टर के लिहाज से मौजूद तमाम लोगों में सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर होते हैं। इंसान चूंकि अपनी तामीर के लिए अपनी इस्लाह के लिए अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए किसी नमूने को सामने देखने का आदि है, इसी मिजाज के साथ उसकी उठान हुई, इसी मिजाज के साथ वो पैदा किया गया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरत में ऐसी पर्सनालिटीज को मौका पर मौका भेजते रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में
जब ये ऐलान कर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बात का इजहार कर दिया गया कि एक इंसान अपने कैरेक्टर में बेहतरी के लिहाज से तरक्की करते हुए जिस स्टेज तक पहुंच सकता है, जितना बेहतर से बेहतर कोई इंसान बन सकता है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी में उसका क्लाइमेक्स आ गया, यानी उसकी चोटी आ गई। अब दुनिया के अंदर इससे बेहतर कैरेक्टर वाले और इससे बेहतर चारित्र्य वाले, इससे बेहतर अखलाक वाले इंसान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर अब ये ऐलान कर दिया गया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल्यौमल आखिर वज़क़रल्लाह कसीरा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक क़यामत तक आने वाले इंसानों तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडियल रख दिया गया। मेरे दोस्तों, को हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसानियत के अखलाक और किरदार के इस हाईएस्ट लेवल पर पहुंचकर दुनिया में उतारे गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के इस जौहर का इजहार यानी उसका एक्सप्रेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही होने लगा। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र है। 25 साल की उम्र क्या होती है? कबीले बनो जबीद का एक आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्के में आता है। मक्के का एक सरदार उससे सामान खरीदता है, लेकिन पैसे देने से इनकार कर देता है। वो बेचारा परेशान होता है और उस सोसाइटी में मौजूद बड़े बड़े लोगों में से हर शख्स के पास जाता है, अपनी शिकायत उसके सामने रखता है। जिस सरदार ने उसका सामान ले लिया था वो बड़ा आदमी था, आम लोगों को उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। तो उस वक्त चाहे कोई सोसाइटी कितनी ही गिरी पड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छे लोग जरूर होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद लोगों ने एक घर के अंदर एक मशवरा किया और इस मशवरे में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से अगर बाहर किसी शहर से इलाके से कोई आदमी मक्के में आता है और यहाँ का कोई लोकल शख्स उसके ऊपर जुल्म करता है, उसको नाहक सताता है, तो हम सब लोग उसके मुकाबले में उठ खड़े होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमिटमेंट का एक पार्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हिस्सा है। उस वाक्य को तारीख की किताबों में हिल्फुल फुजूल के नाम से याद किया जाता है। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद ये फरमाया कि मैं उस जमाने में एक ऐसे कमिटमेंट का हिस्सा बना कि अगर मुझे जमानते नबूवत के बाद भी ये कहा जाता इस तरह के किसी कमिटमेंट की तरफ बुलाया जाता, इस तरह की किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनाया जाता, तो मैं जरूर उस पर लब्बैक कहता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस जमाने में हासिल किए हुए अचीवमेंट को दौरे नबूवत के बाद भी याद फरमाते थे। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की पाकीज़गी सामने आती है। आम तौर पर ऐसा होता है कि जिस इलाके में आदमी परवान चढ़ता है, जहां से उसका खलील उठाया जाता है, उसके साथ उसको कभी कभी ऐसी मोहब्बत वापस प्राप्त हो जाती है कि उस मोहब्बत के अंदर वो ऐसा डूब जाता है कि कभी ये मोहब्बत उसके मुकाबले में अगर उसको कोई ऐसा मौका आ जाए जहां वो दूर दूर चांद की तरह अपनी निगाहों से देख रहा है कि ये मेरे इलाके से ताल्लुक रखने वाला जो शख्स है वो लोग है और जो कोई दूसरा शख्स हो सकता है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन कभी कभी इलाके की मोहब्बत, भाषा की मोहब्बत की बुनियाद पर पैदा होने वाला एक तासर होता है जिसको भाषावाद कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर कभी कभी पूरे मुल्क तकसीम हो गए। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है,
वहां जबान के हवाले से एक ऐसा तासुब, एक ऐसा पूर्वग्रह पैदा हो गया था कि जिसने उस पूरे मुल्क को डिवाइड करके रख दिया था। इसी तरीके से कभी इस तरह का पूर्वग्रह खानदान और रिश्तेदारी के ताल्लुक से पैदा हो जाता है, जिसमें आदमी मोहब्बत के अंदर उस देश तक चला जाता है जहां खैर और शर उसकी निगाहों से ओझल हो जाते हैं। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, इसका पार्टीशन आदमी खत्म कर देता है, सारे हुदूद फलांग जाता है। तो ये इंसानों के मिजाज में रखी हुई चीज कि कभी आदमी माहौल का असर कबूल करता है तो उस देश तक चला जाता है। लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की पाकीज़गी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इलाके की मोहब्बत में, यानी मक्के की मोहब्बत में ऐसा अंदर नहीं बनाया हुआ था कि आप बाहर के किसी आदमी के साथ जुल्म को बर्दाश्त करें। मेरे बुजुर्गों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी का वो हाईएस्ट लेवल है, और ये लेवल उस जमाने में आ गया है जबकि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत नहीं मिली। और इसी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की एक पॉजिटिविटी भी सामने आती है, क्योंकि मक्के का जो मुआशरा था ये तो वो समाज था जिस समाज के अंदर जो नौजवान हो बूढ़े हो वहाँ हर किस्म की नेगेटिविटी पाई जाती थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों नबियों के दरमियान पाया जाने वाला जो फासला है वो किसी भी दो नबियों के दरमियान पाया जाने वाला सबसे बड़ा फासला है। तो दो नबियों के दरमियान पाया जाने वाला फासला जब बड़ा होता है, ये गैप जब बड़ा होता है, तो उसके नतीजे में आने वाली जो कौम होती है वो फसाद और बिगाड़ के बिल्कुल पस्त दर्जे तक चली जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठाए गए तो उनके उठाए जाने के सिर्फ 50 साल के अंदर अंदर क्रिश्चियन लोग ट्रिनिटी की तरफ चले गए थे, यानी एक के बजाय 3 खुदा मानने की तरफ चले गए थे। तो आप सोचें कि वो बिगाड़ उस जमाने में उनके आसमान पर उठाए जाने के 50 साल के बाद पैदा हुआ, फिर तो 6 सदियां गुजर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान नबुव्वत के जमाने को देखा जाए 610 साल का फासला बनता है, तो तकरीबन 570-560 साल हो गए। जाहिर बहुत बड़ा अरसा है, कौमें इस सूरत में किस बस्ती तक पहुंची हुई होगी। तो एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, जहां जुआ है, जहां शराब है, और जहां आपस के ऐसे झगड़े हैं कि मामूली मामूली चीजों पर तलवारें निकल आती, खून का बहाना उनके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल। एक ऐसी सिचुएशन में लोग जिंदगी गुजार रहे, और वहां एक आदमी आता है और 25 साल की उम्र में अपने आप को इस लेवल ऑफ कैरेक्टर पर पहुंचा कर दिखाता है। ये अल्लाह हमारे को ताला की तरफ से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब हम डीपली और उतरते हैं तो महसूस होता है कि 40 साल की उम्र में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिलती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो पहला एक्सपीरियंस था वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की थी, वो जिंदगी का पहला तजुर्बा था, आप घबराए हुए हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के पास लौटते हैं। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला बड़ी समझदार औरत थी, और जाहिर है कि ऐसी ही औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के लिए, आपकी बीवी बनाए जाने के लिए अल्लाह तआला की तरफ से चूज की जा सकती थी। आमतौर पर औरतों का मिजाज ये होता है कि वो अपने शौहरों के हौसलों को तोड़ देती है। शौहर बेचारा किसी बिजनेस को शुरू करता है और एक मर्तबा घाटा हो जाए, बीवी कहती है कि तुमसे कोई धंधा नहीं होगा, कोई और काम बिगड़ जाए, फिर उसी अंदाज का ताना उसे सुनने को मिलता है। तो कभी कभी आदमी अंदर से होश हार कर, हिम्मत हार कर बैठ जाता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने कयामत तक आने वाली तमाम औरतों के लिए अपनी जात में एक नमूना पेश किया कि तुम्हारा शौहर अगर किसी डिप्रेशन का शिकार है, अगर वो हतोत्साहित है, डिसअपॉइंटेड है, तो उस सूरत में तुम उसकी धारस कैसे बनाओगी, उसके हौसले को कैसे बुलंद करोगी, और उसे डिप्रेशन में मजीद गहरा उतरने से कैसे बचाओगी। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो अपनी जान के, मुझे तो अपनी जात पर
खतरा महसूस होता है तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया किया कि या रसूल अल्लाह वल्लाहि ला यज़ीक अल्लाह व बदा अल्लाह तआला आपको रुसवा कैसे कर सकते हैं क्यों इन्नका लतसिलुर रहीम इसलिए कि आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं व तक्सिमुल माजूम या व तक्सिमुल माजूम और आप तो जो बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगार लोगों के लिए रोजी का इंतजाम करते हैं व तहमीलुल कल और आप तो लोगों के बोझ को उठाते हैं व तकरीज ज़ई और आप तो मेहमान नवाजी करते हैं व तुईनु अला नवाइब हक और राह हक की जितनी मुसीबतें होती हैं उन मुसीबतों में आप लोगों के हाथ पांव बन जाते हैं दस्तो बाजू बन जाते हैं मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जाया कैसे कर सकता है। मेरे हुजूर को ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी का पूरा बयान है जो बहुत बलीग अंदाज में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल के बीच जहां नौजवान जुए में लगे हुए थे जहां नौजवान शराब के आदि थे और जहां नौजवान किसी के कत्ल कर देने को और झगड़े उठा देने को ट्रेंड्स के तौर पर अपनाए हुए थे उस माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर कैसी रचनात्मक प्रवृत्तियां पैदा की हुई थी क्यों रचनात्मक प्रवृत्तियों के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समाज की जरूरत बन गए उस समाज को तामीर करने उसको उठाने उसको आगे बढ़ाने का एक ऐसा एलिमेंट बनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नोटिस लिया जाता था क्या फरमाया कि आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है कि आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं तो रिश्तेदारियों को जोड़ना उस सूरत में भी होता है जबकि सामने से भी सिला रहमी का मामला है सामने से भी कोई हमारे साथ हुस्ने सुलूक कर रहा है और ये उस सूरत में भी होता है जबकि सामने से वो रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है बल्कि आदमी वाकईतन रिश्तेदारी को जोड़ने वाला है या नहीं उसका असल इम्तिहान उसकी असल परख तो इसी वक्त होती है इसीलिए कुरान करीम ने कहा कि इदफा बिल्लती ही अहसन कि तुम वो सुलूक करो जो सबसे बेहतर है यानी किसी दूसरे इंसान की तरफ से कोई नेगेटिव अप्रोच सामने आ रहा है कोई नकारात्मक रवैया सामने आ रहा है तो अब ये शख्स जिसका जहन तामीरी है जिसका जहन पॉजिटिव है या जिसने अपनी तरबियत की हुई है ऐसा आदमी किस मिजाज के साथ उसको टेक ओवर करेगा उसको टेकल करेगा और उस मामले को वो किस तरीके से हैंडल करेगा उसका बेहतरीन नमूना हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे दोस्तों आप अंदाजा तो लगाएं कि आदमी अपनी अपने आप को पहुंचाई जाने वाली तकलीफों को कभी कभी माफ कर देता है भूल जाता है लेकिन औलाद को अगर तकलीफ पहुंचाई गई हो तो ये जख्म इतना गहरा लगता है कि आदमी जल्दी से दरगुजर करने के लिए आमादा नहीं हुआ लेकिन अजीब बात है कि मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दो बेटियों के संसार उजाड़ देने की कोशिश की कि जब आपने नबूवत का दावा किया तो जिन लोगों के साथ इनकी सगाई हुई थी निकाह तय हुआ था मंगनी हुई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और निकाह से इनकार कर दिया तो यही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी बेटी है वो हिजरत करके मदीने तशरीफ ले जा रही थी तो मुशरिकीन को पता चला कि अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सही सलामत हिजरत कर जाए हम उसको गवारा नहीं कर सकते उन्होंने उनका पीछा किया वो ऊंट के ऊपर जा रही थी उस ऊंट पर हमला किया ऊंट से नीचे गिर गई बेचारी प्रेग्नेंट थी उनका हमल जाय हो गया तो अब ये जख्म कौन गवारा कर सकता है इस पर कौन बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अजीब बात है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना मक्के के अंदर दाखिल हो गए तो लोग कह रहे थे मक्के वालों कल हमारी गर्दनें थी तुम्हारी तलवारें थी आज पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है आज हमारी तलवारें होंगी और तुम्हारी गर्दनें होंगी आज तो बैतुल्लाह को हलाल किया जाएगा और आज तो बदला लिया जाएगा अल यौम यौमुल मलहमा ये नारे लगा रहे थे लोग
कि आज तो मार काट का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो मना कर दिया और फरमाया कि अल्यौमा यौमुल मरहमा, कि आज तो बख्शिश का दिन है, आज तो दया और रहमत लुटाने का दिन है और आज मेरे उस कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने का दिन है, अपनी अपनी अपने क्लाइमेक्स के साथ जो कुराने करीम में बयान हुआ है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने आपको दुनिया जहां वालों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। मेरे बुजुर्गो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं, सारे गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निगाहों के सामने है और थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, उनको वो पुराने मजारी याद आ रहे हैं कि यही वो आदमी है जिसकी राह में हमने कांटे बिछाए थे, यही वो शख्स है कि हम नहीं, हमारे घर के जो दास और दासियां थे, जो गुलाम थे, जिनके समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, वो लोग भी इस आदमी को गालियां दिया करते थे। और इसी तरीके से हम ही वो लोग हैं जो इनके सर के ऊपर खाक डाला करते थे, हम ही में वो लोग हैं जो सजदे की हालत में इन पर ऊंट की बच्चे दाने रख जाते थे और न जाने क्या क्या गुस्ताखियां थी जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवा रखी थी। ये लोग सब आपकी निगाहों के सामने हैं और डर रहे हैं कि अभी एक इशारा होता है और एक इशारे के जरिए से हमारी गर्दनें धड़ से जुदा हो जाती हैं। लेकिन अजीब बात है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अंतुमुत्तुलका, कि तुम सब के सब आजाद हो, मैंने अपने सारे इंतकामात मुमकिन है कि वक्ती तौर पर जिसके लेने का जज्बा मेरे दिल में पनप रहा हो, मैंने वो सारे की सारी तुम्हारी खताएं माफ कर दी, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। हालांकि यूसुफ के भाइयों ने भी यूसुफ अलैहि सलाम को मामूली तकलीफें तो नहीं पहुंचाई, लेकिन उसके बावजूद उनको कहां पहुंचाया, कुएं की अंधेरियों में वो रहे, जेल में पहुंचे, जिना का गलत इल्जाम लगा और पता नहीं जिंदगी की कैसी खारदार यानी कांटेदार झाड़ियों और वादियों से गुजरकर फिर वो मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ने एक सेंटेंस में अपने भाइयों को ये कह दिया था कि ला तस्लीमा अलैकुम यौम, कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं कर रही। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई और ये कहने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। इसीलिए कुरान जब ये कहता है कि इदफा बिल्लदी अहसन فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، कि तुम्हारे मुखालिफिन के साथ भी बेहतरीन सुलूक करो। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे कि तुम्हारे और उसके दरमियान अगर दुश्मनी है तो तुम्हारे बेहतर सुलूक की वजह से वो तुम्हारा जिगर जान दोस्त बन जाएगा। आगे कुरान कहता है وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، कि ये चीज सबको नहीं मिला करती, ये कोई ऐसी आम खैरात नहीं है पानी की तरह जो सबको हम बांटते हैं, ये कोई आम ऐसी नियमत नहीं है हवा की तरह जो सबको कॉमन और जनरल मिल जाए, ये कोई ऐसी आम चीज नहीं है जो सबको अता कर दी जाए, बल्कि कहा गया कि ये हमारे स्पेशल खजाने से स्पेशल लोगों को दी जाने वाली चीज है। और किन लोगों को मिलती है? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ये नेमत उन लोगों को दी जाती है जिनकी तबीयतों के अंदर जब्त होता है, जिनकी तबीयत के अंदर धीरज होती है, जिनके मिजाज के अंदर ठहराव होता है, जो जज्बातियत से काम नहीं लेते, जो आक्रोश और आवेश में नहीं आते, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के मिजाज के साथ नहीं जीते, ऐसे हमारे चुनिंदा स्पेशल बंदों को हम ये नियामत अता करते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज है मेरे बुजुर्गों। खुद कुरान करीम रेफर करता है कि वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरु, कि जिन लोगों की तबीयतों में जब्त और सब्र और धीरज होता है कि तालाब तो हो जाते हैं बारिश में कमजब, बाहर कभी आपे से समुंदर नहीं होता, वहां से मुखालफतों के तूफान आ रहे हैं, धारे आ रहे हैं, एक इल्जाम लग रहा है, दूसरा इल्जाम लग रहा है, इस अंदाज से सताया गया, उस अंदाज से टॉर्चर किया गया, किसी और तरीके से टारगेट किया गया,
लेकिन जाहिर है कि जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने जब्त की ये नेमत अता फरमा रखी हो, वो सब झेलता चला जाता है और उसकी परेशानी के ऊपर शिकर नहीं आता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और बाद हजरात कहते हैं कि ये किस्सा सैयद इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का। अगर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया हो तो बयान किया गया है कि वो कानपुर की जामे मस्जिद के अंदर खिताब कर रहे हैं। मस्जिद भरी हुई है, सामने हजरत के मुरीदीन बैठे हुए, तो एक आदमी बीच मजमे से उठता है और ये कहता है कि ओ काफिर, ओ जुलाहे, ओ हरामी, ये तीन बातें हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल सामने रू दर रू फेस टू फेस कह रहा है, मस्जिद में खड़ा हो। अब जाहिर है तीनों बहुत संगीन इल्जाम से होया, तो अब ये ऐसा माहौल है कि सामने सैकड़ों मुरीदीन बैठे हुए हों और आदमी को उन सब का बड़ा बनाकर बिठाया गया है, तो नफ्स वैसे भी मोटा हो जाता है ऐसे मौके पर। अब ऐसी सिचुएशन में उठ कर कोई इंसल्ट कर दे तो आदमी के दिल पर क्या गुजरे मेरे दोस्तों। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान के साथ फरमाया कि भाई आपने मेरे बारे में तीन बातें कही। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मैं काफिर हूँ, तो लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अब तो मैं आपके सामने मुसलमान हो गया। आपने दूसरी बात मेरे बारे में ये कही कि मैं जुड़ाहा, जुड़ाहा ये उस इलाके के अंदर निस्बतन पस्त जो बिरादरी होती है उस बिरादरी को कहा जाता था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से मिलता है। आप फारूकी हैं तो वो कह सकते थे कि मैं इस बिरादरी से ताल्लुक नहीं रखता जिसकी तरफ तुम मुझे मंसूब करते हो, मैं तो फारूकी हूँ। लेकिन बिल्कुल ये नहीं कहा, ये कहा कि देखो भाई तुमने दूसरी बात मेरे बारे में ये कही कि मैं जुड़ाहा हूँ, गुजराती में उसे पिंजारा कहते हैं। तो कहने लगे कि ये तो कोई ऐब की बात नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ तो सबसे बढ़कर वो है जो ज्यादा तकवे वाला हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई मैं जिस बिरादरी से ताल्लुक रखूं। तीसरी बात आपने मेरे बारे में ये कही कि मैं हरामी हूँ, अब जाहिर तो बहुत खतरनाक बात है, यानी आदमी को मदद सीना बताया जा रहा है कि तुम नाजायज हो, आदमी कितनी बड़ी गाली है, खुद उसके अपने हक में भी और वालदेन के हक में आदमी तिलमिला उठे मरने मांगने पर तुल जाए। लेकिन हजरत ने बड़े इत्मीनान से कहा कि आपने तीसरी बात जो मेरे बारे में कही, देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हमारे वालिदैन के निकाह जिस काजी साहब ने पढ़ाए थे वो काजी साहब भी अभी जिंदा है और निकाह के जो गवाह थे वो गवाह भी अभी जिंदा है। आप जाकर मालूम कर सकते हैं कि हमारे वालिदैन के बाकायदा निकाह हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ हरामी औलाद नहीं। अब मेरे भाइयों वो आदमी पानी पानी हो गया। अब सोचिए कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13-12 सदियों के बाद आने वाला इंसान, तो अंदाजा लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के 12 सदियों के बाद आपकी उम्मत का एक फर्द इस मिजाज के साथ पैदा होता है या अपने आप को तरबियत देते हुए उस मरहले तक पहुंचा देता है, तो सोचिए कि वो समुंदर क्या होगा जिसका ये कतरा है। डॉक्टर अब्दुल हय साहब रहमतुल्लाह जो पड़ोसी मुल्क में हो गए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, तो उनकी बीवी उनसे उनके बारे में कहती है कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ 50 साल सांसारिक जीवन गुजारा है, 50 साल से ज्यादा अरसा गुजारा, लेकिन 50 साल के अंदर डॉक्टर साहब ने कभी मेरे साथ लहजा बदल कर बात नहीं की। गुस्सा होना तो बहुत दूर की बात है, कल लहजा बदल कर बात नहीं। सोचिए तो सही क्या लेवल ऑफ कैरेक्टर है मेरे दोस्तों। अगर किसी आदमी के बारे में पता चले
कि वो समुंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है, किसी के बारे में ये इतनी अमीर है कि वो हवा में उड़ रहा है या कोई हवा में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, कसम खाई जा सकती है कि ऐसी हजार करामतों के ऊपर ये करामत भारी है कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ 50 साल गुजार दे और इस तरीके से गुजारे कि वो अपनी बीवी पर 50 साल की उस पूरी मुद्दत में गुस्सा तक न करे। तो ये सब्र और ये जब्त है जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला देता है। और फिर ये सब्र जब आदमी का मुस्तकिल मिजाज बन जाता है तो यही वो लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को बचा रखते हैं, नेगेटिव चीजों में उसको इस्तेमाल नहीं करते और इसी की बरकत से अल्लाह ताला फिर उनसे बड़े बड़े काम लेता है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ। बनी इसराइल के बारे में कहता है कि ये बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ऐसे थे कि जब उन्होंने जब्त से काम लिया, अपनी सलाहियतों को दुरुस्त सीधे इस्तेमाल किया, सही डायरेक्शन दिया, उसको नेगेटिविटी के रास्ते पर नहीं डाला, हर कहीं सुनी बात पर भरोसा करके अपने मिजाज को उसी बात पर अमल करने के लिए ढाल नहीं लिया, दिमाग को खुला रखा, नफे नुकसान को सोचा और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब्त के जरिए से जिंदगी गुजारने का स्वभाव अपनाया, तो ऐसे लोगों को हमने अइम्मे हिदायत बनाया, उनको ऐसे रोशनी के मीनार बना दिया कि उन्होंने कौमों को जोड़ दिया, उन्होंने बिरादरियों को जोड़ दिया, उन्होंने इलाकों को जोड़ दिया और वो उम्मत के दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक और यूनिटी का एक ब्रिज बनकर नमूना हो गए। तो ये काम अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से लेता है। आगे कुरान कहता है कि वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कि ये नेमत तो हम ऐसे शख्स को अता करते हैं जो बड़े नसीबे वाला, जो अपनी किस्मत गोया के सोने के कलम से लिखवा के आया हो। हम ऐसे बंदे को ये नेमत अता करते हैं कि वो अपनी तरफ आने वाले हर किस्म के हमले का जवाब पॉजिटिवली देता है। तो मेरे दोस्तों, ये हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का बहुत नुमाया पहलू है और इसको कई वाकयात की रोशनी में भी बयान किया जा सकता है। सुरा का आपके पीछे चलता है और वो इस नियत के साथ चलता है कि मुझे इनको जिंदा या मुर्दा कुरैश के पास पेश कर देना है और 100 ऊंटों का इनाम लेना है। उसके घोड़े के कदम जमीन में धंस जाते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मजबूर होकर दाखिल होता है, जान जाता है कि ये कोई पैगंबर है, मैं इन पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कहता है कि आप मेरे लिए कोई अमननामा लिख दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अमननामा लिखवाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप सिद्दीक अकबर से कहते कि इसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दो, इसका सर अलग कर दो, लेकिन आपने अगर सिद्दीक अकबर से कहा कि भाई इसको अमननामा लिख दो तो परवाने कतल का मुस्तहिक परवाने अमन लेकर लौटता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है जिसके बारे में कुरान कहता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मकाम और मर्तबा आदमी को एक तो कैसे हासिल होता है, सब्र ज़ब्त और धीरज के जरिए से। सेकंडली ये मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला उसको क्यों कर अता फरमाते हैं, यूं अता फरमाते हैं कि वो बंदा ये सोच ले कि मुझे जो कुछ लेना है वो अल्लाह तबारक व तआला से लेना है। जैसा कि हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दावत के साथियों से ये बात फरमाया करते थे कि तुम साथियों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि हर काम करने वाला ये न सोच ले कि मुझे जो कुछ लेना है वो अल्लाह से लेना है। मखलूक क्या दे सकती है, उनसे मुझे क्या तवक्को हो सकती है और ये मेरा कौन सा कल्याण कर सकते हैं। तो जब आदमी माइंड अपना ये बना लेता है कि मुझे जो कुछ लेना है वो अल्लाह ताला से लेना है, तो ये शख्स अपने इस मिजाज की वजह से
बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को भी ठोकरें मार देता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तरकल मिरा व हुवा मुहिक्कुन फी अज़मन लहु बैतन फी रबीअल जन्ना। आपने फरमाया कि जो आदमी झगड़े को छोड़ दे, झगड़े से दूर हट जाए, हालांकि वो उस झगड़े में हक पर है, वो जानता है कि मैं दलील के जरिए से अपना डिफेंड कर सकता हूँ, सामने वाला रोंग है 100% उस पर इस बात का यकीन भी है। लेकिन आप समझ फरमाते हैं कि जिसने झगड़े को छोड़ दिया बावजूद है कि वो जानता है कि मैं इस मामले में हक पर हूँ, आपने फरमाया कि अज़मन लहु बैतन फी रबीअल जन्ना कि मैं जन्नत के सेंटर में उसके लिए एक महल की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जो शख्स ये तय कर लेगा कि मुझे जो कुछ लेना है वो अल्लाह तबारक व तआला से लेना है, उस बारगाह में लेना है, हमेशा के लिए लेना है, टेम्पररी नहीं लेना। जाहिर है कि हम सब लोग यही रहे, हम दुनिया में जितनी चीजें होती हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पेशानी के ऊपर फना का दाग लगाया हुआ है कि या तो उस चीज का इस्तेमाल करने वाला उसको छोड़कर चला जाता है या वो चीज उससे छीन ली जाती है। दुनिया की कोई भी नेमत उठाकर देख लीजिए, यानी चाहे वो बरतने की नेमत हो या कोई पोजीशन हो, कोई ओहदा, कोई मनसब हो और कोई चीज हो, इन सब की पेशानी के ऊपर फना का दाग लगा हुआ है। यहाँ तक के वो लोग जिनको किसी जमाने के अंदर खुदाई के दावे थे, यानी फिरौन जिसको ऐसी ताकत और कुव्वत दी गई थी कि वो खुदाई के दावे पर आमादा होकर कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और इसी तरीके से नमरूद और दूसरे लोग जाहिर है कि गुजरते हुए अय्याम के साथ उन सब की हुकूमतें, सल्तनतें, सत्वतें, उनका वो कर्रोफर, उनकी वो शाहनशाही उनके साथ चली गई और आज वो कब्रों के अंदर उनकी वो सड़ गल गए और वहां पर वो अजाब भुगत रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि जो बंदा ये तय कर ले कि मुझे जो कुछ लेना है वो अल्लाह तबारक व तआला से लेना है, तो ये आदमी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी सिर्फ इस वजह से तर्क कर देगा, छोड़ देगा कि हो सकता है कि इसके लिए आगे बढ़ने की वजह से मुसलमानों का कभी नुकसान हो। मेरे बुजुर्गों, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला, इख्तिलाफात, मतभेद तो होते हैं और हर दौर में होंगे। नबी अकरम कुरान ने कहा वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिमा रब्बुक, लोग इख्तिलाफ करते रहेंगे तो होता है, यहाँ तक के दौरे सहाबा में भी इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उस इख्तिलाफ के बावजूद उन हजरात ने अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के जरिए से इस सांचे में ढाला हुआ था कि वो इस इख्तिलाफ के बावजूद कभी दिलों को आपस में टूटने नहीं देते थे, और अगर कोई मौका ऐसा आता था जहां उन्हें ये महसूस होता था कि हमारे इस चीज के लिए आगे बढ़ने की सूरत में कौम और मिल्लत के लिए कोई मसला खड़ा हो सकता है, तो वो इससे अपने हाथ खुद उठाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ है, और हम कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए गोया सहाबाए किराम की हस्तियों के अंदर इस तरह का आइडियल और नमूना रख दिया ताकि इस तरह के इख्तिलाफात के मौके पर कौन को कौन सा विजन अपनाना चाहिए, ये मिल्लत और उम्मत के सामने हमेशा रहे। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफात हुए और ये इख्तिलाफात जंग तक पहुंच गए। लेकिन अजीब बात है कि जब वो जंग खत्म हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हमारे गिरोह के जो लोग मर गए तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कतलाना फिल जन्नत, हमारे गिरोह के जो लोग मर गए वो सब जन्नत में जाएंगे। तो पूछने वाला ने पूछा कि उनकी सामने वाले लश्कर के हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जमात के जो लोग मर गए वो कहाँ जाएंगे, बराबर
उनके अपने दिल में उनका कोई पर्सनल बेनिफिट, कोई अंगत स्वार्थ नहीं था। वो कौम और मिल्लत के लिए किसी स्टैंड को इख्तियार किए हुए थे। इसी वजह से हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सारे मरने वालों की नमाज जनाजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और इसके बाद जब हम उसी तारीख की तरफ आगे चलते हैं तो एक दौर ऐसा आता है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो बादशाह रूम लिखता है कि भाई हमने सुना है कि तुम्हारे भाई अली ने तुम्हारे साथ जुल्म कर रखा है, तुम हमारे साथ आकर मिल जाओ तो हम साथ मिलकर अली का मुकाबला करेंगे, हम तुम्हारा मकाम और मर्तबा बढ़ाएंगे, तुमको तुम्हारी पोजीशन देंगे। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से उसके नाम जो लेटर जाता है, उस लेटर का मजमून ये, वो उसको कुत्ते के लफ्ज से एड्रेस करते हैं, रूमी कुत्ते कहते हैं, और कहते हैं कि भाई ये तो हमारा घर का झगड़ा है, लेकिन याद रखना कि मेरे भाई अली की तरफ अगर तूने निगाह उठाई तो अली की फौज के पहले सिपाही का नाम मुआविया। अब सोचें कि एक तरफ ऐसा इख्तिलाफ भी पाया जा रहा है जिसकी बिना पर नौबत जंग तक पहुंच गई, लेकिन उसी अली के बारे में इस्लाम की बुनियाद पर ऐसी खैरखानी भी पाई जा रही है कि इस बात की कोशिश फरमा रहे हैं कि हमारे आपसी इख्तिलाफ की वजह से मिल्लत और कौम का कोई नुकसान ना हो जाए। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उन्हें ये महसूस हुआ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद सब लोग ये चाहते थे कि हजरत हसन अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और बने भी 6 महीने तक वो रहे, और उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है, और एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। उनकी पोजीशन बहुत मजबूत थी और लोग कह रहे थे कि हम मुआविया के ऊपर चढ़ाई करके शाम का पूरा हिस्सा उनसे छीन लेते हैं और आप तमाम मुसलमानों के एक ही अमीरुल मोमिनीन बन के रह जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस चीज को महसूस किया कि अब दो फरीक उम्मत में इस अंदाज से पैदा हो गए हैं कि अब अगर मैंने अपने स्टैंड के ऊपर अपने आप को बरकरार रखा और इस कुर्सी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो उम्मत में खून बहने और बहाने का एक न रुकने वाला सिलसिला जारी हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में उस कुर्सी को पेश किया। उस साल को आमुल जमा कहा जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशींगोई, वो भविष्यवाणी हजरत हसन के बारे में पूरी हुई। आपने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराएगा, कॉम्प्रोमाइज कराएगा। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को जाना कि अगर मुझे कोई मनसब मिलता है, कोई पोजीशन मुझे मिलती है, हजारों लाखों आदमियों का मैं बड़ा बनता हूँ और 12,000 से ज्यादा चौरस किलोमीटर की हुकूमत मेरे हाथ में आती है, लेकिन ये कौम का सौदा करके आती है, ये हुकूमत अगर कौम का खून बहा कर आती है, ये हुकूमत अगर कौम और मिल्लत को तोड़ के आती है, हजरत हसन ने कहा कि इस कुर्सी को मैं 1,000,000,000 मारता हूं। ये नमूने हैं, ये रोशन मीनार है, ये हमारी तारीख का वो असासा है, वो मीरास है, वो विरासत है जिसे हम पूरी दुनिया के सामने फख्र के साथ ये कहते हुए पेश कर सकते हैं कि ये हमारे बड़े थे और हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की किसी दूसरी कौम के पास इस लेवल की पर्सनालिटीज नहीं है, ऐसे इंसानों के कैरेक्टर हमारे पास है। और जाहिर है कि कौम फिर इसी तरह तरक्की करती है। फिर जब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत के अंदर साल-हा-साल मुसलमानों ने अमन और इत्मीनान के साथ गुजारे और बहुत दूर दूर तक इस्लामी हुकूमत उस जमाने में फैली है।
सच्ची बात यह है कि इसी मिजाज से कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है, वरना यह कोई तावीज नहीं है जिसको भूल कर पिला दिया जाए तो आन की आन में सबके अंदर एक यूनिटी पैदा हो जाएगी। नहीं, इत्तेहाद इत्तेफाक और यूनिटी जो वजूद में आती है उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स काम करते हैं, जैसे धीरज है, अल्लाह ताला ही से सब कुछ लेने का मिजाज है, और इसी तरीके से अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी में फना कर देने का मिजाज, और पर्सनल बेनिफिट को कम्युनल बेनिफिट के लिए कुर्बान कर देने का मादा, ये वो चीजें हैं जिसके प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर फिर यूनिटी और इत्तेहाद वजूद में आता है। ये वाक्य इससे पहले भी शायद मैं यहाँ सुना चुका हूँ कि थॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया, उसका जहांगीर का बेटा बीमार था, और ऐसा बीमार था कि सारे डॉक्टर उसका इलाज करने से हाथ उठा चुके थे, आजीज आ चुके थे। ये आदमी डॉक्टर ही जानता था, उसने उसके बेटे का इलाज किया, उसको रिकवर किया। जहांगीर बहुत खुश हो गया, उसने कहा कि एक पलड़े में इसको बिठाओ और दूसरे पलड़े के अंदर सोना रखते थे, और जब उसके वजन के बराबर सोना उसको हमारी तरफ से इनाम में दिया जाए। अब ये बड़ा तनोतोष वाला मोटा आदमी था, तो अगर वो सोना कबूल कर लेता उसकी नस्लें आराम से खा सकती, लेकिन उसने अजीबोगरीब जवाब दिया, मेरे बुजुर्ग को दिल के कानों से सुने कि कौम कैसे आगे बढ़ती। उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे नवाजना चाहते हैं, मैंने आपके बेटे का इलाज किया, उसकी वजह से अब आप अगर मुझे कोई गिफ्ट और इनाम ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे ये सोना नहीं दीजिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, आप मेरी कौम को अपने मुल्क में तिजारत का लाइसेंस दे दीजिए। ये कहा जाता था कि अंग्रेज वो कौम है कि उनकी हुकूमत का सूरत कभी गुरूर नहीं होता, तो क्या लीडिंग लेवल के ऊपर जब कोई कौम आती है और बड़े बड़े मुल्कों को इतनी बड़ी अकवाम को लीड करती है तो ऐसे नहीं होता, उसके पीछे इस तरह के जज्बात काम कर रहे होते हैं कि जहां पर्सनल बेनिफिट और कम्युनल बेनिफिट एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर जमा हो जाए तो फिर वहां से उस कौम की तरक्की का सफर शुरू होता है। वरना अगर आदमी या जिस कौम के लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के घरौंदे में बंद होकर रह जाए और अपनी जात से बाहर निकलकर सोचने का स्वभाव न बनाए, कसम खाई जा सकती है कि दुनिया की कोई ताकत उस कौम को तबाही और बर्बादी से नहीं बचा सकती। मेरे दोस्तों सोचे तो सही, वो आदमी क्या आदमी होगा जिसकी खुशियां उसकी जात से शुरू होकर उसी की जात पर खत्म हो जाए, वो इंसान क्या इंसान है जिसके गम भी उसकी जात से शुरू होकर उसी की जात पर एंड कर जाए। ये आदमी नहीं, ये तो स्वार्थ के पिंजरे में बंद ऐसा शख्स है कि वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मुर्दा लाशा है जिसे जिंदगी अपने कंधे पर उठाए उठाए चल गई और मौत की मंजिल पे ले जाके उसे छोड़ा। कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं और कुछ लोगों को जिंदगी गुजार देती है, तो जिंदगी जिनको गुजार देती है ये वो लोग होते हैं जो सेल्फिशनेस के अंदर डूब जाते हैं। और हमारी पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए कि जिस दौर में भी कौम पर जवाल आया है तो इस तिमाश के लोग कौम के अंदर पैदा हो गए। मीर जाफर है, उनके नाम सब जानते हैं, जिसकी वजह से टीपू की हुकूमत चली गई, सिराजुद्दौला की हुकूमत चली गई, और इसी तरीके से 1857 में जो पहली जंगे आजादी नाकाम हुई उसके पीछे भी इस तरह के कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहां तक के हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक रेशमी रुमाल, जिस तहरीक के बारे में कहा जाता है कि अगर वो मूवमेंट कामयाब हो जाती तो सिर्फ भारत नहीं एक साथ कई मुल्कों के की सूरत में ऐसा अखंड भारत वजूद में आता जिस पर इस्लामी मुमलकत का झंडा लहरा रहा होता, ऐसी मूवमेंट। लेकिन अगर वो भी नाकाम हुई है तो उस शरीके मक्का की वजह से नाकाम हुई जिसने हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का साथ देने से इनकार किया
और जिसने अहंकारी से काम किया। तो मेरे दोस्तों, आसमान की निगाहें जो होती वो हर दौर में इंसानों को देखती रहती, उनके किरदार और अमाल को तोड़ती रहती कि इस शख्स का नाम किस सफ के अंदर शामिल होगा, किस फहरिस्त में लिखा जाएगा। यह आसमान की निगाहें देखती और उसी के मुताबिक फिर अल्लाह तबारक व तआला फैसले करते हैं। अपनी गरज में डूब कर जिंदगी गुजारने का मिजाज मुनाफिकीन का, कि वो लोग अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल, उसकी रियासत और उसकी सियादत सरदारी का ऐलान होने वाला था। उसी जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए तो और आप सल्लम के हाथ पर सबने ईमान कबूल कर लिया। अब उसने कहा कि भाई ये तो हमें कुर्सी मिलने वाले थे और अचानक ये हिजरत करके आ गए, तो ये हमारे लिए मुस्तकिल खतरा बन गए। इस वक्त सब लोगों ने उन पर ईमान कबूल किया हुआ है, तो टेम्पररी तो हम ऐसा करते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन मौके के इंतजार में रहते हैं। तो ये वो लोग थे जो सेल्फिशनेस के अंदर डूबे हुए थे, स्वार्थ उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था और इसी चीज ने उनको एक दोगलेपन के साथ जीने का आदि बना दिया था और वो आस्तीन के सांप बनकर मुसलमानों को डसते रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को और उस वक्त मुसलमानों की पूरी यूनिटी को तकलीफ पहुंचाने या तोड़ने का कोई मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। तो जाहिर है कि ये रविश उन लोगों की है जिनकी जबान और जिनके दिल दोनों अलग अलग थे, जिनके अंदर एक तरह की ड्यूअलिटी पाई जाती थी। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि इन्नल मुनाफिकीन फिल दर्किल असफल मिनन नार, ये तो वो लोग हैं जो जहन्नम के सबसे निचले तबके में दाखिल किए जाएंगे। मेरे दोस्तों, तो कभी कभी तारीख कौमों को उस स्टेज पर पहुंचा देती है जहां उनका जो रोल होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को तराजू में तोला जा रहा होता है, थर्मोमीटर के जरिए से परखा जा रहा होता है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वो कौन सा स्टैंड लेते हैं। क्या वो इलाके की मोहब्बत में डूबकर किसी के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं, क्या वो अपने दोस्त की मोहब्बत में डूबकर नाइंसाफी कर लेते हैं, क्या वो किसी बड़े की मोहब्बत में डूबकर किसी माल की लालच में नाइंसाफी की रविश अपना लेते हैं, या कोई रिश्तेदारी के तासुब में इस कदर आगे बढ़ता चला जाता है कि उसकी मोहब्बत उसके दिल पर ऐसी छा जाती है कि उसके मुकाबले में किसी और चीज को देखने का आदि नहीं रह जाता। ये रविश जमाने जाहिलियत की थी जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर यह फरमाया था कि ये लोगों, जमाने जाहिलियत की जितनी चीजें हैं और उनने बतौर खास खानदान की बुनियाद पर, बिरादरियों की बुनियाद पर और रिश्तेदारियों की बुनियाद पर एक दूसरे पर फख्र करना और सिर्फ बिरादरी या रिश्तेदारी की बुनियाद पर अपने रिश्तेदारों की हिमायत में खड़े हो जाना, ये जमाने जाहिलियत की चीजें थी। ए लोगों, आज मैं उसको अपने कदमों के नीचे हमेशा के लिए दफन करके जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद दोबारा उसको जिंदा करके उनकी पूजा शुरू ना करते। तो इस अंदाज से अपने कैरेक्टर को डेवलप करना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना कि आदमी अपने आप से ऊपर उठ जाए, इसको सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहते हैं कि आदमी अपने आप में ना रहे, उसका अपना कुछ ना रहे, बल्कि टोटल ऐसी पैसिविटी इख्तियार कर ले कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा मौका आ जाए जिस मौके में एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला का कोई हुक्म है और दूसरी तरफ मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, मेरे खानदान का पर्सनल बेनिफिट है, लेकिन अगर वो खिलाफ शरीयत है, मैं इंसाफ की तलवार से अपने आप को शहीद कर दूंगा। इस हौसले के साथ जो बंदा जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को इत्तेहाद और यूनिटी का सफीर बनाता है, उससे काम लेता है, उसके जरिए इलाकों, बिरादरियों और उससे आगे बढ़ के कहा जाए तो कौमों की किस्मत चमका देता है। और इस दौर के अंदर इस मिजाज को अपने अंदर पैदा करने की जो जरूरत है शायद इससे पहले ना रही हो। कुरान कहता है कि वअन्फिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तअल्लुका, ये लोगों राहे खुदा में पर्सनली खर्च करते रहो। अब वो ये अंसारी कहते हैं कि ये आयत करीमा कब नाजिल हुई मैं बताता हूँ,
वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, सफर जिहाद शुरू हुए और कंटिन्यूसली सफर पर सफर, सफर पर सफर, खेतियां उजड़ गई, कारोबार उजड़ गए। तो अंसार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम एक ब्रीफ वैकेशन लेना चाहते हैं, थोड़ी सी छुट्टी हमें दे दीजिए ताकि हम अपने कारोबार देख लें, खेतियां संभाल लें। तो नबी, तो उस वक्त ही आयत करीमा नाज़िल हुई जिसमें कहा गया कि इस वक्त कुर्बानियों का जो सिलसिला है, ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। और आगे क्या कहा कि वला तुमको भी आईडी को मिलत होगा, अपने आप को हलाकत और तबाही में न डालो। क्या मतलब कि देखो तुम्हारी खेतियां इस वक्त संभालना ये तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है, और इस वक्त जिन कुर्बानियों का तकाजा है कौम की वजह से, मिल्लत की तामीर के लिए, वो एक कम्युनल बेनिफिट है। तो अगर तुम अपनी खेतियों के इस पर्सनल बेनिफिट को आगे कर लोगे और उस कम्युनल बेनिफिट को अपनी पीठ के पीछे डाल लोगे तो वला तुमको भी आईडी को मिलता होगा, ऐसा करना इस पूरी कम्युनिटी को हलाकत के हवाले कर देना होगा। तो कुरान ने ये उसूल दिया, क्या उसूल दिया कि इस तरह का जो अंगत स्वार्थ होता है, सबके सब अगर उसी पिंजरे में कैद होके रह जाए तो उस सूरत में कौमों की किस्मत का चिराग जो होता है वो गुल हो जाता है, कौमें जवाल में चली जाती है, जवाल बुनियादों में उतर जाता है, और ऐसा उतर जाता है कि आइंदा आने वाली नस्लें चिड़िया के बेबालों पर बच्चों की तरह अपनी मौत और जिल्लत का तमाशा देखने के अलावा किसी काम की नहीं है। और ऐसी कौमें फिर दूसरी कौमों की ठोकरों में आती है, उनकी किस्मत के फैसले दूसरी कौमें करती है। और इसी कुर्बानी से इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होता है। आखिरी बात करते गुफ्तगू खत्म करते हैं कि हम सब देखते हैं मेरे दोस्तों कि जब सैलाब आता है, तो जब सैलाब आता है जिस दरख्त के ऊपर सांप बना ले रहा होता है उसी दरख्त के ऊपर नेवला भी बना ले रहा होता है, और दोनों एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचाता? सांप और नेवले की दुश्मनी तो परंपरागत दुश्मनी, यानी कट्टर दुश्मनी है, उनकी मिसाल दी जाती है, उदाहरण और एग्जाम्पल दृष्टांत के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उस मौके पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि हम लोग एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि इस वक्त अगर हमने अपनी पुरानी दुश्मनियां निकाली तो दोनों इस दरख्त से गिर जाएंगे, न मेरा वजूद बाकी रहेगा सैलाब में, और ये सैलाब का धारा इसके वजूद को भी बहा ले जाए। सोचें कि जो सेंस क्रिटिकल सिचुएशन में, नाजुक हालात में जानवरों के अंदर पैदा हो जाता है, वो अगर मुसलमानों के अंदर बर वक्त पैदा ना हो तो इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। ये दिल का दर्द है। मैं किसी खास तनाजों में, किसी खास कॉन्ट्रास्ट में अगर ये गुफ्तगु कर रहा हूँ तो शायद ये कहना वक्त से पहले होगा, मेरे बुजुर्गो मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत के उस पहलू को आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मिजाज और इस मिजाज से पैदा किए हुए लोगों ने फिर मुख्तसर सी मुद्दत में इतना बड़ा इंकलाब पैदा करके दिखाया कि 23 साल की मुद्दत में ऐसा आदमी तैयार होकर मार्केट में आया कि कयामत तक आसमान की निगाहें ऐसे आदमी को देखने के लिए तरसती रही। तो ऐसे लोग तैयार हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिजाज का, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कैरेक्टर का कोई हिस्सा नसीब फरमाए, और वो सहाबाए किराम जिन्होंने इस स्वभाव को पिया, ओन किया और इसी पर अपनी बकिया जिंदगी उन्होंने गुजारी, अल्लाह ताला उनके उस कैरेक्टर से हम सबको कोई हिस्सा नसीब फरमाए। और खुदा करें कि हम सब अपनी तमाम सलाहियतों को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी समर्थताओं को अपनी जागीर न समझते हुए, अपनी मिल्क न समझते हुए कौम के लिए उसको वक्फ कर दें, मिल्लत के उसको हवाले कर दें, उसको कौम की अमानत समझें, और ये कहें कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिया है, चाहे माल हो, चाहे हुनर हो, स्किल्स हो, या आइडियाज हो, या इसी तरीके से वक्त है, जान है,
जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, ये सारे की सारी चीजें ये मेरी मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये कौम की अमानत है जिसे कौम की तामीर के लिए खप जाना है। तो फिर यही वो लोग होते हैं जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी उन्हें नहीं गुजारती, और जब वो मौत की मंजिल पे पहुंचते हैं तो इन्हीं लोगों के बारे में फिर लोग ये कहने पर मजबूर होते हैं कि शक्ल में गुल की मुकम्मल गुलसिता, फर्द सूरत में था पूरा कारवां, दफ़तन आंखों से ओझल हो गया, जिंदगी भर का थका था सो गया। तो अब आसमान की निगाहें देख रही हैं कि हम मीर जाफर की फहरिस्त पर अपना नाम लिखवाते हैं या हजरत हसन रजी अल्लाह तआला की लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं। तारीख में याद दोनों रह गए, एक पॉजिटिवली याद रह गया, एक नेगेटिवली याद रह गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौके का फहम नसीब फरमाए, नक्शे दीवार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, वाना करना फिर पाबंदी के लिए अपनी जुबान, चुपके है बैठा हुआ हंगामा महशर में, वसल के असबाब पैदा हों तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तहरीर से। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना।